दोस्तों आज के नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इजी वॉलेट से लोन अप्लाई किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आप लोन अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। जो यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ अबाउट फीचर कि आपको लोन कितना मिलेगा, कितना इंटरेस्ट का आपको लगेगा और कितना आपको लोन लेना है, सारा कुछ यहाँ पर बताना है। जैसे कि यहाँ पर लोन अमाउंट में आपको मिलेगा यहाँ पर 3,000 से लेकर के आपको 50,000 तक लोन मिलेगा। लोन पीरियड की बात करें तो 95 दिन से लेकर के 365 दिन आपको यहाँ पे आपको 22% लगेगा इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ जैसे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस में बता देता हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है, इजी वॉलेट तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन कर लेना, ओपन मैं कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से रीड करना है ऊपर की ओर, यहाँ पे रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स में टिक लगा देना है और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आएगा, उसके बाद फिर से आपको इसको स्क्रॉल करके रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोन अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दिया गया है 1.5 लाख, यहाँ पे आपको 1,50,000 दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देख सकते हैं स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं ब्लर कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा, OTP को यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट करते हैं, OTP मेरा आ चुका है तो यहाँ पे OTP आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको इसी स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन को इस तरह से आपको ऊपर का स्क्रॉल कर लेना। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको आएगा तो फिर से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको परमिशन देने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से कुछ परमिशन यहाँ पर जो भी आपको परमिशन मांगेगा यहाँ से आप परमिशन यहाँ से दे दीजिएगा। उसके बाद परमिशन देने के बाद यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। यहाँ पे सर्च हो रहा है, उसके बाद आपको उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं खुल चुका है। उसके बाद यहाँ पे सारा जो यहाँ पे लोन आपका अप्रूव हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे सारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कैश प्रॉफिट के द्वारा 3,500 रुपया और यहाँ पे लाइट लोन यहाँ पे दिया हुआ है 3,499 और यहाँ पे देख सकते हैं 3,499 इजी वॉलेट और यहाँ पे देख सकते हैं 3,499 स्टोरम कैश। यहाँ पे मिनी रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है 3,400, तो यहाँ पे जो दिया हुआ देख सकते हैं लोन डिटेल पे यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो चलिए मैं इजी वॉलेट का यहाँ पे लोन डिटेल में यहाँ पे लोन डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोन अमाउंट आपको 3,499 और यहाँ पे देख सकते हैं डेली आपको रेट इंटरेस्ट रेट 0.10%, यहाँ पे GST 187 रुपया और टोटल आपको इंटरेस्ट सर्विस यहाँ पे आपको 1,039 रुपया पेमेंट करना होगा। यानी आपको ये सब कट करके जो 3,000 रुपया यहाँ से आपको 3,899 है इतना जो जोड़ के आपको कट हो जाएगा और आपका अकाउंट में 2,222 रुपया करीब आपका अकाउंट में चला जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सोचा कि मुझे यहाँ पे मंथली EMI पे लोन मिल जाएगा, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आपको 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ और लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन ने और यहाँ पे कुछ और दे रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। आप भी यहाँ पर लोन 7 दिन वाला लोन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 7 दिन के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। मैं आपको मंथली EMI पे लोन लेना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उस पर आपको मंथली EMI पे लोन मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइज आप समझ गए किस तरह से आपको
लोन अप्लाई करना है। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कुणाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।